तो चलो मैंने पानी वानी पी लिया है अब, और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ दिस एपी, इसका 10वां टर्म बताना है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई देखो ऐसा है, जो टर्म होता है ना, अगर मैं एनवा टर्म बोलूं तो एनवा टर्म निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ए प्लस एन में से ए कम और डी, ये होता है एनवा टर्म। अगर इसी तरह से जैसे मैंने बोला 10वां टर्म, तो भाई हो जाएगा ए 10, ए 10 की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस 10 में से ए कम मतलब 9 डी। ठीक है भैया, 10वां टर्म 9 डी होगा, राइट। तो 10वां टर्म पूछा है, तो आप साफ सुथरा यहां देख सकते हैं कि भाई ए जो है आपके लिए 2 दे रखा है, और डी आप इजीली निकाल सकते हैं, 7 में से 2 घटाइए 5 मिल जाएगा, ये आपका डी हो गया। क्योंकि अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, बिकॉज उसने बोल रखा है कि ये एपी है, तो यहाँ पर एज इट इज वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, एक की जगह 2 हो गया, और 9 5 45 कुछ आंसर आ जाएगा इसका, 45 और 2 47 हो जाएगा इसकी आंसर। ओके, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम थी ये, कोई शक नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसमें दे रखा है 2.1, सॉरी विच टर्म ऑफ एन एपी, जिसमें दे रखा है 21 18 15, कौन सा टर्म है जो 81 होगा माइनस का 81, कौन सा ऐसा टर्म है जो माइनस का 81 होगा। मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा टर्म 81 होगा, मैंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, वो टर्म जब मुझे नहीं पता तो मैंने उसको एन मान लिया, एन वा टर्म होगा 81, एन वा टर्म होगा, एनएथ टर्म होगा 81, मुझे पता ही नहीं है ना भाई, एनएथ टर्म होगा 81। मैंने कहा भाई देखो ए एन जो है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो एक काम करो, एन का टर्म निकालने के लिए ए एन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 81, माइनस लगा लो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 81 इक्वल टू ए जो दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन, आप एपी को देख सकते हैं 21 दे रखा है, और डी जो दे रखा है वो दे रखा है 18 में से, आप 21 घटाएंगे 18 में से, अगर आप 21 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3। ओके, सो डी की जगह पे आप माइनस का 3 रखेंगे, तो ए की जगह क्या रखेंगे 21 प्लस एन, तो आपको निकालना है ना भाई, एन तो निकालना है, सो ऐसे सो डी जो है माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 रखेंगे, तो माइनस का 3 यहाँ पर अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूंगा तो हो जाएगा ये 21 जो है उधर ले जाइए, जब उस 21 को उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का 21 81 पहले से लिखा हुआ है, और माइनस का 21 इधर को आ गया ये, ठीक है, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का होता है, माइनस का 81 यहाँ पहले से लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 3 बाहर ब्रैकेट के और एन माइनस वन अंदर है, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस का ये जो जोड़ोगे तो 20 जोड़ो तो हो जाएगा 100, हो गया 102, 102 माइनस के साथ में। ओके, तो मतलब एन माइनस वन की जो वैल्यू आई है यहां से वो हो जाएगी माइनस का 102 बटे 3, और यहां से 3 3 9 और 3 4 3 3 3 3 9 मतलब 3 3 9 एंड 3 4 12, दैट मीन्स एन माइनस वन की जो वैल्यू आई है वो आ गई माइनस का 34, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस का 34 आ रहा है, ओके प्लस का 34, तो ये एन माइनस वन की वैल्यू आई है, एन बराबर हो जाएगा 34 प्लस वन, ओके तो हो जाएगा एन बराबर 35। ओके, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और पूछ रहा है आल्सो इज देयर टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा टर्म होगा जो जीरो होगा, क्या कोई ऐसा टर्म होगा जो जीरो होगा, कोई ऐसा टर्म होगा जो जीरो होगा। देखो भाई 21 है, 21 से कम हुआ 18, 18 से कम होगा 15, 15 से और कम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा कितना तुम्हारा 12, 12 से 3 कम होगा 9, 9 से 3 कम होगा तुम्हारा
छह से तीन कम होगा तीन, तीन से तीन कम होगा जीरो। यस, जीरो एक टर्म होगा। क्या कोई ऐसा टर्म होगा कि जीरो जो जीरो बन जाए? यस होगा। अगर ये तो हमने एग्जैक्टली एनालाइज कर लिया देख के, अगर मेरे को बताना है कि होगा या नहीं होगा, तो ए एन का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब ए एन की जगह पे जीरो रख के देख लो। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आप चीजें इजीली देख पाओ। ए एन की जगह पे आप जीरो रख दो तो जीरो बराबर हो जाएगा ए, ए कितना है भाई 21, ए कितना है 21, 21 प्लस एन, मुझे नहीं पता ना कौन सा टर्म जीरो होगा तो मैंने एन लिख दिया, एन वन टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा और डी जो है आपका फिर भी माइनस का थ्री ही रहेगा। तो यहां से ये माइनस का टर्म आ जाएगा, माइनस का थ्री एन माइनस वन होगा। तो एक काम करो, माइनस का थ्री एन माइनस वन को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री एन माइनस वन। ओके, और ये बराबर हो जाएगा 21 के एग्जैक्टली। यहां से एन माइनस वन की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 7, 3 से 33 होता है और एन बराबर आ गया 8। ओके, मतलब आठवां टर्म होगा जो जीरो होगा। अगर एन की वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास इंटीजर आ रही है तो इसका मतलब वो जो टर्म पूछा गया है वो उस एपी में, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में अवेलेबल होगा। एन की वैल्यू अगर इंटीजर आए तब, अगर इंटीजर नहीं आ रही तो भैया नहीं होगा, क्योंकि पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, चौथा टर्म हो सकता है, पांचवा, दसवां, बीसवां, पचासवां, ऐसा थोड़ा नहीं। भाई ढाईवा टर्म, ढाईवा कोई टर्म नहीं है, या तो दूसरा है या फिर तीसरा है, चौथा है ये, पांचवा है, छठा है ये, सातवां है। ऐसा नहीं कि 6.5 बता दे कोई टर्म, नहीं है ही नहीं। एन की वैल्यू अगर आपके पास इंटीजर आएगी दैट मीन्स वो टर्म उस सीरीज में एग्जिस्ट करता होगा। ओके, गिव रीजन फॉर योर आंसर कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमने आंसर दे दिया यस, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि कोई भी टर्म इंटीजर फॉर्मेट में होगा, मतलब इंटीजर होगा, दो तीन होगा, चार होगा, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवा टर्म, 7.5 में कोई टर्म नहीं होता भाई, सीधा आठवां होगा या फिर सातवां होगा, फिर नवा होगा, फिर दसवां होगा, 9.5 तो 10.5, 11, मतलब डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रीजन व्हिच आई गिव, यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई टोल्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांच, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज दिस एंड सेवन टर्म इज दिस। यहां पर हम लोग अगर देखें तो एपी बताना है हमको, एपी हमसे पूछी गई है, पूछा गया है एपी। तो एपी के लिए भाई मुझे लिखने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, कोई भी एपी लिखने के लिए मुझे ए बता दो और भाई डी बता दो। अगर मुझे आपने ए और डी बता दिया इसकी दुनिया भर के सारे टर्म बना दूंगा मैं, ए और डी बता दो। तो एक काम करो, उसने मुझसे बोला थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए थ्री, ए थ्री की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5। ए थ्री को आप लिख सकते हो ए प्लस 2d, है ना भैया। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसी तरह से जो दे रखा है 7 टर्म, ए 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए 7 की वैल्यू दे रखी है 9, उसी तरह से हो जाएगा ए 7 की जगह रखेंगे ए प्लस 6d और बराबर 9। यहां से इक्वेशन नंबर 2 मान लो उसको, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो एक काम करो मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूँ, ए प्लस 6d, डी लिखना ठीक है, डी बराबर हो गया 9। तो एक काम करो, बहुत इजी है ये, फर्स्ट में से आप सेकंड को घटा दो, फर्स्ट में से आप सेकंड को घटा दो। तो देखो जब घटाओगे तो देखो ध्यान से, ये जो टर्म है ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। मैं साइन चेंज, इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख पाएगी इजिली। ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ए माइनस ए जीरो हो गए, दो में से 6 जाएंगे तो माइनस का 4d बचा। ओके, और ये 5 में से 9 जाएंगे, माइनस का 4 बचा और डी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, डी बराबर वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ओके, अगर डी 1 आ गया ठीक है भाई, तो डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो भाई। अगर आप इसमें रखोगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर आप इसमें रखोगे तो ए की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी, ए बराबर यहां से हो जाएगा सीधे से ए प्लस 2d, तो 2d की जगह 1 रख दो बराबर 5, मैंने फर्स्ट में रख दिया,
राइट, ये वैल्यू किसमें रख दी मैंने, फर्स्ट में रख दी, ये वैल्यू फर्स्ट में रख दी, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट प्लेस दिस वैल्यू, ये वैल्यू को प्लेस कर दिया मैंने फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, राइट, और ए बराबर हो जाएगा फाइव माइनस टू, दैट मीन्स ए की वैल्यू आ गई थ्री। तो आप इजीली बता सकते हैं, देखो भैया यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो पहले टर्म क्या है भैया, तीन है, डिफरेंस कितने का है, एक का है, तो अगला टर्म क्या होगा, चार, ठीक है भैया, अगला टर्म क्या होगा, पांच, अगला टर्म क्या होगा भैया, छह होगा, क्योंकि डिफरेंस एक का टर्म तो चला जाएगा, ए भी आपने बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ जाए तब आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर एपी की उस या उस पर्टिकुलर एपी की जिसके आप निकालना चाह रहे हैं वो उस सीरीज का हिस्सा होगा। तो देखिए ये करना है कि 301 जो है वो इस टर्म इस सीरीज में कहीं ना कहीं आएगा या नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए की वैल्यू दे रखी है पांच, और डी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 5 मतलब 6। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तरीका अच्छा लग रहा है मेरे को, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलो मैं पैन चेंज कर लेता हूँ अपना, तो मेरे को बताना कि ये टर्म ए पी इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो मैं ए एन की जगह पे 301 लिख देता हूँ, ए एन फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत ईजी है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये ए एन की जगह पे मैं 301 रख दूंगा, अगर 301 रखूंगा और ए की वैल्यू है 5 और एन तो मुझे पता नहीं, क्योंकि एन की तो मुझे पता करना है, एन अगर इंटीजर आ गया तो मजा आ जाएगा भैया, होगा। डी कितना भाई, डी है 6, तो एक काम करो एन माइनस वन, 6n-1 की जो वैल्यू है ये 5 उधर ले जाओ, या 5 उधर ले जाओगे तो बचेगा 296। अगर आप n माइनस वन की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 296 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 24 4 टाइम्स गया, ओके 4 टाइम्स जाएगा 24, 3 जाएगा 6 इज 36, 46 इज द आंसर। तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 46 और n बराबर आ जाएगा 47, मतलब n जो है इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये जो टर्म है 301 ये इसमें लाई करेगा इस सीरीज में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओके, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। तो पहला नंबर आपको लिखना है जो 3 से डिवाइड होता है, 2 डिजिट का पहला ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो जो 3 से डिवाइड होता है। पहला 2 डिजिट का नंबर होता है 10, 3 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा नंबर होता है 2 डिजिट का 11, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। 12 इज द फर्स्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह से अगला नंबर होगा 15 और अगला नंबर होगा 18। इसी तरह से आपको कहां तक लिखना है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट पूछे, मतलब लास्ट नंबर टू डिजिट का 99 हो सकता है। क्या 99 3 से डिवाइड होगा, यस होगा, 33 3 3 9 33 9 33 आ जाएगा, यस। तो मेरे को यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि ए की वैल्यू जो है भाई वो है 12, डी की जो वैल्यू है भाई वो है कितनी, 3, तो तकलीफ नहीं, 5 में से आप 12 घटाइए आपको 3 मिलेगा, 18 में से 15 घटाइए तो आपको 3 मिलेगा, राइट। तो ये पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स, एन की वैल्यू पूछी आपसे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, तो लास्ट नंबर जो है वो हो जाएगा 99 और फर्स्ट नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास 12। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डिजिट्स, मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो लास्ट टर्म जो है हमारा वो कितना है, मैं ए एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, लास्ट टर्म जो है हमारे पास कितना है, मैं ए एन लिख लेता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी टू डिजिट, हाउ मेनी कितने नंबर होंगे जो कितने दो डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे।
तो ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, दस नंबर, ग्यारह नंबर, बारह नंबर, तेरह नंबर, चौदह, इस तरीके से कितने डिजिट होंगे? मैंने कहा एन नंबर होंगे, मुझे पता नहीं भाई, तो मैंने बोला एन नंबर होंगे, मैंने एन लिख दिया। तो वो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो कितने, तीन से डिवाइड होगा, वो कौन सा नंबर है? इतने नंबर होंगे एन, मतलब 99 वो नंबर होगा एन वा जो तीन से डिवाइड होगा। तो मैं 99 ए एन की जगह पे 99 लिख देता हूँ, ठीक है? क्यों लिख दिया? क्योंकि ये वो नंबर है जो इस सीरीज का वो वाला टर्म है जो लास्ट टर्म है, ए एन वा टर्म है, मतलब वो वाला टर्म है जो लास्ट है। तो एन की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, तो एन यहाँ से निकल जाएगा, कितने टर्म है जो डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म की जगह पे आपने क्या लिख दिया, ए एन की जगह पे आपने 99 रख दिया। तो 99 जब आपने रखा तो जितने भी टर्म होंगे इस सीरीज के अंदर वो आपको पता लग जाएंगे, ठीक है? तो ए जो है यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस एन जो है आपको पता नहीं है, वो तो आपको बताना है, और डी जो है आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है? तो एक काम करो, 3n-1 बराबर हो गया 99 में से 12 घटाओ, 89, 89 में 2 घटाओ तो हो जाएगा 87, ओके भाई? n माइनस 1 बराबर हो गया 87/3, ठीक है? तो 87/3, 3 3 3 2 3 9 29, तो n बराबर आ गया भैया 30, n बराबर कितना आ गया 29 + 1 30, मतलब कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के? 30 नंबर होंगे, जो टू डिजिट के 30 नंबर होंगे ऐसे जो 3 से डिवाइड होते हैं, ओके? क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, ऐसा आपको समझना था। मैंने यहाँ पे ए एन की जगह पे 99 इसलिए रखा है क्योंकि ये लास्ट नंबर है, क्योंकि एक सीरीज के अंदर सबसे पहला नंबर ये हो सकता है और लास्ट नंबर ये होता है। मैंने कहा वो लास्ट नंबर जो भी होगा वो कितने होंगे, कितने टर्म होंगे उसमें, तो वो भी क्या, तो लास्ट टर्म जो है वो है हमारे पास 99, तो मैंने ए एन की जगह पे 99 लिख दिया, ऐसे और एन मेरे को पता लगे। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जब भी एग्जाम्पल है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द 11th टर्म, बताना है लास्ट टर्म। तो इस सीरीज का लास्ट टर्म कौन सा है? यहाँ पे जो है कितना है, -62, तो ये हो जाएगा -62 पहले टर्म, ठीक है? इससे कम क्या होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस आ रहा कितने का, -3 का। आप 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 बचेगा, 4 में से 7 घटाएंगे तो फिर भी -3 बचेगा। तो -3 जब आप घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, जब -3 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसमें जो है जो नंबर होगा -3 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -60, क्योंकि अगला नंबर इसका जो लास्ट नंबर होगा यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें हम जोड़ते हैं तब ये बनता है ना, जब इसमें जोड़ते हैं ये जोड़ते हैं तब ये बनता है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तब ये बनेगा, इस टर्म में से इसे घटाएंगे तब ये बनेगा। तो डिफरेंस कितने का है, -62 में से डी घटाएंगे, डी कितना है, -3, तो ये आ जाएगा आपके पास -62 और +3, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया -59 होगा इससे पहले वाला टर्म, यहाँ पर ये हो जाएगा -59, ठीक है? इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या होगा, वो पूछ रहा है कि 11वां टर्म मुझे पता नहीं है, तो मैंने बोला 11वां टर्म, ए ग्यारह की वैल्यू बतानी है। तो पहला टर्म कितना है हमारे पास, यहाँ पर ए जो है इस तरीके से ए जो है इस सीरीज का हो जाएगा -62, और डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना, तो अगर आप इसमें से इसे घटाएंगे तो -59 - -62, ठीक है? मैंने सीरीज को एग्जैक्टली पलट दिया है, -59 + 62, तो ये बच जाएगा फाइनली आपके पास 3 + 3, तो ए जो हो जाएगा, डी जो हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ए जो है आपके पास -62, ओके? एंड एन माइनस वन प्लस का एन माइनस वन का मतलब क्या है, 10 डी, डी कितना होगा भाई, डी हो जाएगा आपके पास 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है? 11वें टर्म में कितना, -62 + ये हो जाएगा 30,
30 आप कम कर लीजिए 62 में से, तो हो जाएगा -32। मतलब 11 में जो टर्म होगा लास्ट से तो कितना हो जाएगा -32। ठीक है, उल्टा कर दिया ना मैंने इस सीरीज को, एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। जब मैंने उल्टा किया तो मुझे ए जो है मैंने -62 मान लिया और बाकी उस तरीके से मैंने चीजों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, डिफरेंस मुझे पता लगेगा, तो डिफरेंस इसमें से घटाएंगे तो -3 बढ़ेगा, लेकिन जब उल्टा सीरीज उल्टी कर देंगे तो +3 हो जाएगा वो चीज डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस एग्जैक्टली +3 हो जाएगा जब आप उल्टा करेंगे चीजें। ओके ठीक है, तो ये क्या हम कौन से टर्म मांगे, 11 टर्म मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 8% के सिंपल इंटरेस्ट से जो है तुम्हें इन्वेस्ट करा गया है 1000 रुपए दे के, 1000 रुपए जमा करे हैं और जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो 8% का है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एपी, अगर एपी फॉर्म करते हैं तो बताइए, अगर करते हैं तो बताइए फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर, 30वें साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्या पूछा, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स। तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो पहले साल में जो जमा कराता राशि वो थी आपके पास 1000 रुपए, 8% जब इसमें जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा दूसरे साल में। ठीक है, दूसरे साल में जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1% हो जाएगा 10 और 8% हो गया 80, तो 1080 हो गया। ठीक है भैया, 1% निकाल लिया करो पहले, 1% निकालो 10 हो जाएगा और 8% 80 हो जाएगा, तो 1080 से जुड़ जाएगा। अब 1080 में 80 और जोड़ो, क्योंकि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे ही होता है, 80 में 80 जोड़ो तो हो जाएगा 1160। ठीक है भैया, फिर 8 और जोड़ दो 1240। ठीक है भैया, इस तरीके चलता रहेगा, ये इस तरीके चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये सो एपी तो फॉर्म कर रहा है, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 80, तो इसमें से घटाएंगे तब भी मिल जाएगा 80। ठीक है भैया, इसमें से घटाएंगे तब भी मिल जाएगा 80, तो मतलब ये डिफरेंट एज भी तो है। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर, इंटरेस्ट बताना 30 साल के बाद। तो भाई बात सुनो मेरी, 30 साल के अंदर पहला टर्म, दूसरे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथी साल, तो मेरे को 30वें साल में बताना है इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कि तीसवा जो टर्म होगा, तीसरी जो साल होगी उसमें क्या होगा 30वें साल में। ए 30 पहले टर्म में क्या है, पहले साल में कितना मिल रहा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो पहले टर्म लिखना होता है और डी लिखना होता है, ये कौन सा होता है, ये एनवा टर्म होता है। मैंने कहा एनवा टर्म मुझे तो निकालना है, 30 साल के बाद कितना होगा मुझे नहीं पता है, वो वैल्यू कितनी होगी। पहली टर्म तो मुझे पता है, पहले टर्म होगी यहाँ पे ए और डिफरेंस कितना होगा ये, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1000 प्लस 30 में से एक गया तो हो जाएगा 29 और डी कितना है, डी है आपके पास कितना 80। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। 30 करेंगे अगर हम इसको 3 8 24, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर करेंगे, कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। ओके